हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज दे रहा हूं टेक न्यूज़ नंबर 10। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। बढ़िया बढ़िया आई हैं, तो देखते हैं क्या है खास। तो पहली खबर आ रही है रियलमी की, तो रियलमी XT प्रो। तो एक रियलमी का नया फ़ोन आ सकता है। XT तो आ चुका है जो स्नैपड्रैगन 712 के साथ है। अब कह रहे हैं नया आएगा XT प्रो जिसमें होगा स्नैपड्रैगन 730, चार कैमरे होंगे 64+8+2+2 और फ्रंट कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का। 30 वॉट का VOOC वूक फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी इसमें और आपको मिलेगा सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी। तो वो फ़ोन तगड़ा है। अभी रियलमी ने भी अपनी कहते हैं सारी गोलियां दिखाई नहीं है कि भाई अभी वो कह रहा है कि वो भी शाओमी देख ले फिर हम अपनी दिखाएंगे। तो स्नैपड्रैगन 712 वाला कह रहे हैं दिवाली के पास आएगा, तो ये भी आ सकता है। मे बी 5 सितंबर को जो चाइना में इवेंट है रियलमी का, उसमें आपको दोनों पता चल सकते हैं। ऐसे ये भी कह रहे हैं कि रियलमी का एक स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस के साथ भी फ़ोन आ सकता है, फ्लैगशिप फ़ोन। तो देखते हैं क्या होगा खास। रियलमी कमाल कर रहा है, रेडमी को पूरी की पूरी टक्कर दे रहा है, जो बढ़िया चीज़ है। जो हम जैसे लोग होते हैं, नॉर्मल बंदा मिडिल क्लास, उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं 15 से 20 हज़ार का फ़ोन लेने के लिए, तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। कोई कमी होती है तो हम नया ले सकते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है ओप्पो A9। तो ओप्पो A9 आएगा 2020 में। 8 GB रैम हो सकती है, 128 GB, 5000 की बैटरी होगी और 195 ग्राम का फ़ोन, 6.5 इंच और क्वाड कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल+8 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल और स्नैपड्रैगन 665 के साथ आ सकता है, मगर ये आएगा नेक्स्ट ईयर। तो मिड रेंज फ़ोन होगा 15,000 तक, क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 यूज़ किया मैं भी, उससे भी सस्ता हो। देखते हैं क्या होगा खास ओप्पो A9 में, तो जब आएगा तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो वीवो की आ रही है, वीवो Y7S। तो 6.38 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 4500 mAh की बैटरी, 18 वॉट का फास्ट चार्जर, ट्रिपल रियर कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल। तो ये वाई सीरीज़ का पहला फ़ोन है जो 48 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ कर रहा है। कॉस्ट इसकी नियर अबाउट 10,000 तक हो सकती है, तो देखते हैं क्या होगा खास। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है ओप्पो रेनो की, ओप्पो रेनो 2 जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। अब कह रहे हैं चाइना में कि ये ओप्पो रेनो का न्यू फ़ोन आएगा, 2 नहीं या 2F या 2Z नहीं, उसके अलावा एक और फ़ोन आ सकता है जिसमें ये रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ दे सकते हैं। तो कल जैसे मैंने बताया था कि पबजी में एक अपडेट आया जिसमें 120 हर्ट्ज़ के साथ आप खेल सकते हैं अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता हो रिफ्रेश रेट। तो मेरे हिसाब से शायद ओप्पो ने वो सुन के निकाल रहा है ये फ़ोन, तो बढ़िया चीज़ है, नई चीज़ मिलेगी हमें और बाकी कंपनी भी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक देने को तैयार हो गई हैं, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो मेट 30 सीरीज़ जो पहले कह रहे थे 6 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी, कंफर्म कर दिया हुआ भी नहीं, 19 सितंबर को ये जर्मनी में इनका इवेंट होगा और ये वहाँ लॉन्च करेंगे। तो भाई मोस्टली ये यूरोप में लॉन्च करते हैं, तो इस पर ये जर्मनी में लॉन्च कर रहे हैं। मेट 30 सीरीज़ में आपको शायद किरिन 990 मिल सकता है या किरिन 985। फ़ोन काफ़ी बढ़िया होता है मेट सीरीज़ का। मैं 20 प्रो मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। इस बार सर्कल कैमरा होगा, लुक्स काफ़ी अच्छी है और एक फ्लैगशिप फ़ोन होता है, 50 से 60 हज़ार में लॉन्च होता है, थोड़ा महंगा फ़ोन होता है मगर फीचर्स क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है इस फ़ोन की। तो देखते हैं क्या होगा 19 सितंबर को, अगर रीजनेबल प्राइस पे हुआ तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आती है नोकिया की बात, तो नोकिया 7.2 5 सितंबर को बर्लिन IFM में लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी लीक्स आए हैं, गीकबेंच स्कोर आया है, तो सिंगल कोर का है 1597 और मल्टी कोर का है 5204। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन 660। तो नोकिया अभी तक स्नैपड्रैगन 660 पे ही बैठा है, पता नहीं क्यों। बैटरी होगी 3500 mAh की और ट्रिपल कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल, सुपर वाइड एंगल और एक डेप्थ सेंसर। पता नहीं नोकिया क्या करना चाहता है, मतलब अब 675 आ गया, 712 आ गया, 730 आ गया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, ये 660 पे बैठा है जो Mi A2 में आया था मुझे जो याद है। मगर नोकिया को थोड़ा सोचना चाहिए, लोग तभी बाय करेंगे अगर आपका न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ये फ़ोन आएगा। 20,000 के नीचे होगा ये फ़ोन, मगर 15 का भी हो तो भी वर्थ नहीं है स्नैपड्रैगन 660 अब खरीदने का। तो नेक्स्ट आ रही है नूबिया की तरफ से, नूबिया रेड मैजिक 3S जो 5 सितंबर को शंघाई में लॉन्च हो रहा है, उसमें कह रहे हैं स्नैपड्रैगन 855 प्लस होगा, 7nm का चिपसेट होगा और उसमें भी रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ होगा। और सबसे बढ़िया है नूबिया रेड मैजिक 3 जो आया था, उसमें आपने देखा था कूलिंग फ़ैन, मैंने अनबॉक्सिंग की थी उस फ़ोन की भी, कूलिंग फ़ैन था उसमें, जैसे हमारे लैपटॉप
में होते हैं, वैसे उसमें फ़ैन था जबकि वो हीट कंट्रोल कर सके, गेमिंग फ़ोन है। साथ में कह रहे हैं उसमें 5 ट्रिगर्स होंगे, जैसे आपने वीवो आई क्यू में देखा है कि ऊपर 2 ट्रिगर्स होते हैं, तो इसमें 5 होंगे, तो दो दो हमारे हम जिसे प्ले करते हैं, 2 ऊपर। तो शायद लास्ट टाइम भी इनका जो 3 था रेडमी मैजिक 3, उसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर था उसको भी आप बटन की तरह यूज़ कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से वही होगा 5 फिंगर्स जो ये कह रहे हैं। बाकी 5 सितंबर को फ़ोन आएगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी लाने की कोशिश करूँगा, देखेंगे कितना बढ़िया गेमिंग फ़ोन है ये। तो Huawei Mate 30 अभी आ रहा है और Huawei P40 के लीक्स आने शुरू हो गए हैं, तो अब देखा जाए। वो मोस्टली पी सीरीज आती है नियर फेब में, तो किरी 990 के साथ आएगी और इसके लीक्स आने शुरू हो गए हैं कि नियर अबाउट 100%, जैसे वीवो Nex 3 आ रहा है 99.6% वाटरफॉल डिस्प्ले के साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, इसका भी नियर अबाउट 100% कह रहे हैं होगा बॉडी टू स्क्रीन रेशियो। कैमरा बहुत तगड़ा देंगे इसका और नियर अबाउट 100 वाट का चार्जर दे सकते हैं इसमें। तो भाई हर साल नई चीज़ आती है, तो नेक्स्ट ईयर आएगा तो ऑब्वियस है कुछ नया ही करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Xiaomi की है, Xiaomi Mix 4। तो 24 सितंबर को Xiaomi इवेंट करेगा चाइना में, तो कह रहे हैं कि शायद Mix 4 की अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि अब इस पर काफ़ी बड़े बड़े फ्लैगशिप फ़ोन आ रहे हैं। एप्पल का आईफोन आ रहा है, वीवो Nex 3 आ रहा है, मेट सीरीज़ आ रही है, तो Xiaomi भी अब अपना फ़ोन निकालेगा कोई फ्लैगशिप फ़ोन। तो Mix 4 के आने के चांसेस हैं 24 सितंबर को, मगर कुछ कंफर्म नहीं है, ये लीक ही है, मे बी कोई MIUI 11 के बारे ही कह दे, मगर अगर इवेंट है तो लोग र्यूमर्स आ रहे हैं कि ये Mix 4 का हो सकता है, 100 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें आएगा। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। Honor 9X की अनबॉक्सिंग आने वाली है मेरी न्यूज़ के बाद, टेक न्यूज़ के बाद, तो ज़रूर देखिए, उसमें एक सरप्राइज़ रखा है मैंने आपके लिए, मे बी आप लकी हो तो आप कुछ जीत सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।